ट्रक के दक्षिण साइड रूट के माध्यम से जाता है, न कि एनएच 80 के ऊपर। एनएच जो है वो एनएच लाइक नहीं रहा। हाईवे के ऊपर दुकान दौरी बरियारपुर से लेकर होरघाट रघुनाथपुर बंगाली टोला तक ये हाईवे काफ़ी सीधा सीधी है। 90 डिग्री के कोण पर ये बाढ़ प्रभावित इलाके क्षेत्र है। ये टांगुर मांगुर है, रोड टेढ़ा है। 100 से कम रहेगा रफ्तार तो उसका फाइन लगेगा, कई गुना हो जाएगा नई 4 लाइन के ऊपर। नमस्कार, मैं हूं रंगीला 2.0 का आवाज में समाचार सुर्खियों में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जी 2.0 फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे मुंगेर भागलपुर के बीच नई 4 लाइन के ऊपर। मुंगेर भागलपुर के बीच जो 4 लाइन पुल बन रहा है, NH-80 नेशनल हाईवे रेलवे ट्रैक के दक्षिण साइड बन रहा है। 4 लाइन काफी विशाल बन रहा है, ये रेलवे ट्रैक से दोगुना तेगुना ऊंचा बन रहा है। बरियारपुर से लेकर सुल्तानगंज अकबर नगर तक दक्षिण इलाके क्षेत्र जहाँ पर हम हैं, ये बाढ़ प्रभावित इलाके क्षेत्र है, यहाँ पर ऊंचा बनेगा। जब ये हाईवे रोड चालू हो जाएगा, यहाँ के स्थानीय व्यक्तियों का जो इनकम होगा, इनकम स्रोत जो है कई गुना हो जाएगा। ये एक्सप्रेस हाईवे जो बनेगा, हाईवे के ऊपर 100 से ऊपर स्पीड रहेगा यानी तेज रफ्तार में चलेगा। 100 से कम रहेगा रफ्तार तो उसका फाइन लगेगा। ये जो हाईवे जो बन रहा बरियारपुर से लेकर होरघाट रघुनाथपुर बंगाली टोला तक, ये हाईवे काफ़ी सीधा सीधी है 90 डिग्री के कोण पर। जैसे होरघाट हॉल्ट के सामने सामने दक्षिण साइड से लेकर के गनगनिया तक ये टांगुर मांगुर है, रोड टेढ़ा है। हो सकता है इसके नक्शा के मुताबिक से ठीक होगा, लेकिन मेरे अनुसार से ठीक नहीं है। जब इसको हाईवे बनाना था तो हाईवे बरियारपुर से लेकर के गनगनियों तक उसको सीधा सीधी 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। एक्सप्रेस हाईवे या 4 लेन का मतलब होता है 90 डिग्री पे जब ड्राइवर स्टीयरिंग थामना छोड़ दे तो गाड़ी ऑटोमेटिक चलते रहे। हाईवे का मतलब ये हुआ न कि ड्राइवर को बार बार ऐसे ऐसे करना पड़े। हाईवे के ऊपर दुकान दौरी नहीं रहेगा, उतना होटल टोटल नहीं रहेगा, फिर भी यहाँ के स्थानीय व्यक्तियों को ऊपर काफ़ी विकास होगा। इस हाईवे से व्यक्ति का लाभ होगा, जो यहाँ पे ड्राइवर रहेगा, गाड़ी चलाएगा, ऑटो चालक रहेगा, उसका भारी मात्रा में जब ट्रैफिक मिलेगा तो पैसा की इनकम स्रोत बढ़ जाएगा। NH-80 नेशनल हाईवे जो है मुंगेर से लेकर भागलपुर के बीच, वो पूरी तरह से खंडर बन गया है। NH जो है वो NH लाइक नहीं रहा, उस रोड में ट्रैफिक काफ़ी बढ़ गया है। ये जो हाईवे 4 लाइन का जो काम जो चलता है, गाड़ी घोड़ा जो रहता है इसका काम करने का, वो इसी रूट के माध्यम से जाता है, न कि NH-80 के ऊपर। जब NTPC से माल जो लेकर जाता है यानी मालवा छाए, वो NH-80 रोड से होकर गुजरता है। ये जो देख रहे हैं काम चल रहा है न्यू 4 लाइन के ऊपर, होरघाट हॉल्ट रेलवे ट्रैक के दक्षिण साइड मनी नदी के ऊपर पुल निर्माण का कार्य तेज रफ्तार में चल रहा है। हमारे संवाददाता और कई सूत्रों का मानना है अगले वर्ष तक में ये इस रोड पर वाहन दौड़ने लगेगी। ये जो आप देख रहे हैं टावर लगा हुआ, तो ये पुल की बेस तैयार हो रहा है। बेस के नीचे पाइलिंग का काम चल रहा है, ताकि पुल के ऊपर कितना भी हाई फाई ओवरलोड ट्रक आएगा तो किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा, भसकेगा दबेगा नहीं, जिसके कारण से दोनों तरफ पाइलिंग का काम होगा। वो तो अगले वीडियो में बताएंगे कितना पाइलिंग होगा, इसका लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल के सही लोकेशन करने के लिए मिट्टी कटाव कर रहा है, तो कहीं मिट्टी का ज़रूरत है तो मिट्टी दे रहा है। यहाँ पर घर बनेगा। ये जो देख रहे हैं ये यहाँ पर गाड़ी चढ़ता था, नहीं गाड़ी नहीं चढ़ता था, तो इसको स्लोपिंग किया गया ताकि सही रूप से काम हो सके। महीनों दिन से इसके ऊपर काम चल रहा है, धीरे धीरे है। हो सकता है इसका फंड में
आने में दिक्कत होता होगा ताकि फंड का इंतजार करता, कुछ कामों को फंड का इंतजार करना पड़ता है, उसके बाद किया जाता है।